एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल रिया लेक्चर क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों रक्त के विषय में। आज हम पढ़ेंगे रक्त के विषय में। बहुत सारे बच्चों ने हमें कमेंट किया था कि सर रक्त पे वीडियो बना दीजिए, तो आज बेटा हम पढ़ेंगे रक्त के विषय में। रक्त क्या होता है, रक्त का काम क्या है, रक्त कहाँ बनता है, ठीक है, ये सभी के विषय में आज हम पढ़ेंगे। चलिए बेटा शुरू करते हैं। अब ये रक्त होता क्या है, रक्त एक बेटा कोलाइड मिलन है, प्राकृतिक कैसा मिलन है, प्राकृतिक कोलाइड का परिवहन करता है रक्त पोषक पदार्थों का।
खाते हैं उससे जो ऊर्जा मिलती है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक कौन लेके जाता है, रक्त लेकर जाता है। और बेटा किसको लेके जाता है, ऑक्सीजन को लेके जाता है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड को भी लेकर जाता है। ये किसका काम है बेटा, रक्त का काम है। ठीक है, एक बार सभी को फिर से समझा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। और यहीं से क्वेश्चन बनता है, कैसा क्वेश्चन बनेगा, बने अभी रक्त कैसा होता है तो गाढ़ा होता है, क्या है, कोलाइड कैसा कहा, प्राकृतिक द्वारा या किसके द्वारा निर्मित है, यानी प्राकृतिक हमको प्रदान करता है। आगे है बेटा, रक्त कैसा ऊतक है तो रक्त संयोजी ऊतक, संयोजी ऊतक है। अगला मेरे प्यारे बच्चों, रक्त का पीएच मान, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है IMP। ठीक है, यह IMP इंपॉर्टेंट है, क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह SSC GD में भी एक आग बार क्वेश्चन आ चुका है मेरे प्यारे बच्चों कि रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो 7.0 कितना होता है बेटा, 4 होता है। रक्त कैसा होता है, क्षारीय होता है। आगे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, रक्त क्या होता है, रक्त हमारे शरीर में कितना पाया जाता है, 5.5 लीटर, यानी एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में कितना ब्लड पाया जाता है, 5.5 लीटर, इसमें पुरुष में पाया जाता है। अगला है बेटा, स्त्रियों में कितना ब्लड पाया जाता है, तो स्त्रियों में पुरुषों की अपेक्षा 0.5 लीटर ब्लड क्या होता है, कम पाया जाता है। अगला है बेटा, हमारे शरीर का कितना परसेंट होता है, लगभग 7 से 8% भाग क्या होता है, ब्लड। अगला है बेटा, रक्त काम किसका करता है, तो रक्त परिवहन का काम करता है। परिवहन का मतलब होता है किसी भी चीज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना। ये किसका परिवहन करता है, पोषक का, ठीक है, CO यानी H2 का और CO2 का, यानी सॉरी O2 का, यानी ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है और CO2 को सभी से क्या करता है बेटा, बाहर निकालता है। चलिए, तो बेटा परिवहन का मतलब समझ गए कि यह क्या करता है, विभिन्न गैसों का क्या करता है, परिवहन करता है, कौन, रक्त। आगे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, आगे कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, रक्त का निर्माण कहाँ होता है, तो रक्त का निर्माण होता है अस्थि मज्जा। याद रखना बेटा, कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है, रक्त का निर्माण कहाँ होता है मेरे प्यारे बच्चों, अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है, रक्त कहाँ बनता है, अस्थि मज्जा में बनता है। ठीक है, और रक्त इकट्ठा कहाँ होता है, तो रक्त इकट्ठा होता है बेटा प्लीहा में। याद रखना, रक्त कहाँ इकट्ठा होता है, प्लीहा में जमा होता है। लिख दे रहे हैं कि रक्त कहाँ जमा होता है बेटा, प्लीहा में जमा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, रक्त जो होता है वह प्लीहा में जमा होता है। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रक्त का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है, यानी प्लीहा को। याद रखिएगा बेटा, प्लीहा को जो होता है वह रक्त का क्या कहते हैं, यानी ब्लड बैंक किसे कहा जाता है, यानी ब्लड बैंक जो होता है बेटा वह किसको कहा जाता है, प्लीहा को कहा जाता है। रक्त का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है, प्लीहा को कहा जाता है। आगे चलते हैं, चलिए अब बेटा अगला क्वेश्चन बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन है, हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, रक्त परिसंचरण की खोज किसने की, तो रक्त परिसंचरण की खोज विलियम, किसने किया था, विलियम, ठीक है, विलियम हार्वे नामक वैज्ञानिक ने किया था। ठीक है, विलियम हार्वे नामक वैज्ञानिक ने किसका किया था बेटा, ठीक है, रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी, विलियम हार्वे नामक वैज्ञानिक ने की थी। ठीक है, आगे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, देखते हैं। चलिए बेटा, एक क्वेश्चन बनता है कि मनुष्य में किस प्रकार का परिसंचरण पाया जाता है, तो मनुष्य में जो पाया जाता है बेटा वह बंद प्रकार का होता है। किस प्रकार का परिसंचरण पाया जाता है, वह बंद प्रकार का परिसंचरण पाया जाता है। तो किस प्रकार का परिसंचरण पाया जाता है, बंद प्रकार का। तो बेटा ये जितने भी क्वेश्चन है किसी न किसी कॉम्पिटिशन में पूछे गए हैं, SSC GD में, SSC में पूछा गया है, ये कई जगहों में पूछा गया है मेरे प्यारे बच्चों। देखिए, अब हमने क्या कहा, रक्त कहाँ बनता है बेटा, अस्थि मज्जा में बनता है। रक्त कहाँ पे इकट्ठा होता है, जमा होता है, तो वह जमा होता है प्लीहा में। ठीक है, अब रक्त का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है बेटा, तो ब्लड बैंक किसे कहा जाता है, प्लीहा में कहा जाता है। अगला है परिसंचरण, यानी रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी, विलियम हार्वे नामक वैज्ञानिक ने की थी। मनुष्य में किस प्रकार का परिसंचरण पाया जाता है मेरे प्यारे बच्चों, तो बंद प्रकार का
संचरण पाया जाता है। ठीक है, तो बेटा आज के लिए बस इतना ही, कल हम पढ़ेंगे कि रक्त के विषय में पढ़ेंगे, जैसे प्लाज्मा आ गया, WBC आ गया, RBC आ गया, प्लेटलेट्स हो गया। जैसे बेटा प्लेटलेट्स का काम क्या है, ब्लड का थक्का जमने, यानी ब्लड का जो रक्त होता है अगर थक्का जमने में कौन सा सहायक होता है तो प्लेटलेट्स होता है। बेटा WBC रोगों से लड़ने की क्षमता देता है, RBC परिसंचरण तंत्र का काम करता है। तो इन सब चीजों के विषय में बेटा हम कल पढ़ेंगे, और रक्त के विषय में बेटा एक एक चीज उठा के पढ़ेंगे, जैसे प्लाज्मा के विषय में अलग पढ़ेंगे, ठीक है, WBC के विषय में अलग पढ़ेंगे, RBC के विषय में अलग पढ़ेंगे, और प्लेटलेट्स के विषय में अलग पढ़ेंगे। हो सकता है बेटा कि इन सभी चीजों के विषय में मैं अलग अलग वीडियो डालूं, तो आपके लिए बेटा थोड़ा पढ़ने में आसानी होगी, क्योंकि बड़ा वीडियो हो जाता है तो आप लोग भी पढ़ने में बोरिंग महसूस करते हैं, इसलिए मैं छोटा छोटा वीडियो डाल रहा हूँ। बेटा उम्मीद है ये सब चीजें आपको समझ में आ रही है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है बेटा परीक्षा में। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, तो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों।